स्टूडेंट कौन कलासदयम दीनियातना सबक नंबर पानछए सवाल एक बार सबक नंबर पानछुआ इस्लाम वारान इसम व वा ईमान व तकबा पान छुवा सबकी पैज नंबर आठ उस द्दीन का तीन मानने वाले इस्लाम उस द्दीन ने तीन माना बतौल इस लहजा दौ लोग तीन सिर्फ तो नबौत क़्यामत को उसुल द्दीन मनते हैं खुदा चिकफर ज़र प्यामर नबौत इन जर क़ैयामत इन जर जिसम पलब माना बखन बला जरचा ज़िन वो मुसलमान कहलाते हैं सो अब मुसलमान उसुल द्दीन का पाँच मानने वाला ईमान है दिन लेकिन पाँच पलब माना बखान बला ईमान जरबीन इसलिए जो लोग

इस्लाम का न मानने वाला काफिर होता है इस्लाम बाबा खान बोले जी ज़रबत काफ़िर ज़रबत ईमान ना रखने वाले को मुनाफिक कहते हैं ईमान मत खान बोला मुनाफिक ज़रबत दीन के अहकाम की पाबंदी ना करने वाले को फासिक कहते हैं दीन अहकाम की पाबंदी खुदा हुकुम को पाबंदी मजा खान को नशी ज़रबत फासी सवाल पहला इस्लाम क्या है इस्लाम लो और इसके मुखालिफ को क्या कहते हैं इस्लाम शी ज़रबत ज़रबा ना उस का दियो तो दे उसल तीन मानने वाले को क्या कहते हैं इस्लाम कहते हैं यानी जो लोग सिर्फ़ तवीत क़्यामत नबोत सुलदीन को मानते हैं वो मुसलमान के रहते हैं बजे हैं और इसके मुखालिफ को क्या कहते हैं जरबानदी कहते हैं यानी इस्लाम का नाम मानने वाले को काफ़िर कहते हैं इस बिछा इस बिजली अपने जी लास्ट पर ईमान का तारीफ़ करो ईमान चाहिए ईमान तारीफ बोझ लो ईमान तारी ईमान तारीफ दिखे दे उस दिन का पांच मानने वाला ईमान है बस कुकर उस दिन का उस दिन का पांच मानने वाले क्या कहते हैं ईमान कहते हैं मुनाफिक और फासि में क्या फ़र्क है मुनाफिक नाफास्ट जुर्बान ईमान नारा वाले को दिखे नस्बित ईमान ना रखने वाले को मुनाफिक कहते हैं तीसरा सवाल को दीन के अहकाम के पाबंदी ना करने वाले को फासि कहते हैं वसल महमद